था कि एक पौधा दूसरे पौधे में जा रहा है, कम हो रहा है, पता नहीं चल रहा था कि एक पत्ता है और दूसरा पत्ता है, ट्रीज डिफरेंट तरह के। यहाँ पे तो एक ही तरह की शबरी देख के हम लोग चार पैसे पे वाओ, तीन दरख्त थे वाओ, ये एक ही कंट्री है आशा। और मैंने वो वीडियो में कैप्चर किया, मैंने कहा ये देखे आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में भी बेताशा हरियाली, बट वो जो ड्रेनेज सिस्टम था ना उस पर मैं फिदा हो गई। फिर वहां से आती आती आबशार की तरफ नीचे जमीन पे भी पूरा अलॉन्ग द वे डेढ़ घंटे तक मुझे एक पट्टी सी मिली। पंजाब में अगर कभी कोई गया उन्होंने देखा वो तो ड्रेनेज सिस्टम पुराना है लेकिन उसमें सामने सामने नजर आता है और कभी कभी स्टैग्नेंट वाटर भी होता है, बट यहाँ पे फ्रेश वाटर की थी, बिल्कुल साफ नालियां थी, लिटरली बेचारे पैर वहां पे ना रख के खड़े होते सुथरा पानी ना, वो पता ही नहीं चला इतनी टॉरेंशियल रेन और वो मतलब समझ नहीं आता कहाँ जा रहा है पानी। वो सफर में ना मैंने क्या सोचा कि ये वाली चीज हमारे मुल्क में, इनके मुल्क में, ये ऐसा नहीं कि अमीर लोगों की कोई चीज है कि हम यूएस में गए जिन्होंने टैक्सेशन से ये किया वो किया, ये नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजें मुझे होता है यार हमारे मुल्क में ये हो ये चीज अच्छा। उसके अलावा कल्चर में अगर देखो बाहर के मुल्कों में जब गए फरंगे वाली कह लें जा गए स्विट्जरलैंड के सारी बातें वहां पे उनकी ड्रेसिंग बहुत आउट होती है, वहां से आप चाह के भी इंस्पायर नहीं हो सकते। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि एक और चीज बताऊं मजे की बात, टूरिस्ट जो टूर गाइड थे ना दोनों हमारे वो श्रीलंकन थे, काले से श्रीलंकन इंडियन नुमा, इंग्लिश भी बस क्या कहते हैं गुलाबी टाइप भी थी उनकी। उन लोगों ने हमें बोला दिस इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, यहाँ 60% मुस्लिम है, 30% इंडियन और श्रीलंकन, इस तरह बोला। अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उसे मुस्लिम कंट्री नहीं कहते, या हमारे टूर गाइड बजाते खुद चूंकि श्रीलंकन थे वो कहना नहीं चाह रहे थे कि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी हमारे लिए हमारी फिक्र यह है मुसलमानों के लिए कि हमें सब कहते हैं, मैं पूछी थी हराम फूड हलाल फूड, सब कहते हैं हराम मुस्लिम कंट्री मुस्लिम कंट्री, मैंने कहा दोनों टूर गाइड ने बताया कि मुस्लिम कंट्री नहीं है, यूं कह ले वो लोग कहना अपने आप को मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। ये हमारा आप देखिए हमारी इतनी अच्छी मुस्लिम कंट्री जिसकी मैं तारीफ करी ड्रेनेज सिस्टम की और बहुत सी चीजों की, वो सिर्फ टूरिस्ट को एग्जिस्ट अपने अट्रैक्ट करने के लिए ये कहने में मजबूर है कि मुस्लिम कंट्री नहीं है, ताकि वो लोग आए ताकि पता चले यहाँ क्लब कल्चर है नाइट कल्चर है। तो एक हमारे फिक्र है मुसलमानों के लिए जो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ यार, प्राइड के साथ बोले ना मुस्लिम कंट्री, हम भी तो मुसलमान ही थे, ये थोड़ा सा मुझे ना बुरा फील हुआ उस पर। हाँ अब ड्रेसिंग पे आती बात, वहां मुझे लग रहा था मैं ओरिफ्लेम के सीरियसली किसी जैसे आप लोग ओएम्स होती है ना छोटी छोटी वहां, क्योंकि वो लोग स्कर्ट्स थी और स्कार्फ बहुत अच्छी तरह से जैसे आमला का स्कार्फ तो आई मलेशिया से बताती है वही पहना मेरा इतना मजाक पड़ा इस चीज से पूरा टाइम, मुझे भी कहते हैं वहीं की लगती है, वहां की मुझे यार ये अच्छी, वो आराम से अपने बच्चे को स्ट्रॉलर में लेके जा रही है बिजनेस में है तो चलो कोट सा पहन लिया, तो ये मुस्लिम ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद है यार, ये अच्छी बाहर भी आप रहो रिलैक्स भी रहो, ऐसी ड्रेसिंग थी उसमें नमाज भी पढ़ लो जाओ तो ऑफिस भी चले जाओ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वहां से यार, पर्दे में है तो प्रॉपर काम कर रही है उनको भी इजाजत मिलती है जाने की, वो घर भी प्रॉपर आ जाती होंगी, अजान की आवाज आती थी, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये स्वीडन वगैरह बाकी जो भी मैंने मिस की थी, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो उन्होंने कवरेज दी उसमें से गाला नाइट को बताती हूँ, ये ज्यादा नहीं क्योंकि एक तो हैंड एक्सरसाइज है मैं नहीं करूँगी, बताती हूँ फेस को कुछ रिलैक्स करे उसने किए था हम सबको करवाए फेस को भीजे मेरी तरह, और मुझे पता मैं स्टूपिड लगी हूँ आप लोगों को कोई नहीं देख रहा सिवाय मेरे, मुझे चाहिए स्टूपिड कभी हो गए मुंह खोलना था हाँ खुलाना नहीं है अच्छा यू हैव टू डू दिस एंड देन हाँ कैसे करो ठीक है उसके बाद सब नहीं कर रही करी आप तो कोई देख सब करी सब करी बहुत मजा आएगा आपको कोई नहीं देख रहा अपने मुंह मुझे पता है इसीलिए तो बेचारे लेट हो गए थे वापसी में, इतनी मजे की शर्ट इतनी प्यारी पप्पू शर्ट सिलवाई हुई थी वो 4000 समथिंग की स्टिच शर्ट थी और वो जल्दी से स्प्लिट हो गई और बेचारे बेटी वॉशरूम में क्या क्या होगा तो मोटी हो गई हो बेटी नहीं मुझे हैंड एक्सरसाइज कराई उससे बीच में टियर ऑफ हो गई, शुक्र अल्लाह का वो उसी उसमें था उसी होटल में जिस होटल में हम रह रहे थे शर्ट चेंज कर ली सर्दी लग रही मैंने तुम्हें खींच लिया नोच लिया क्या कर लिया चेंज कर
करके आ गई, ये मजे की चीज थी। उसके अलावा जो है, हाँ आए दिन हम लोग गए थे यहाँ बाहर लास्ट डे पे गाला डिनर के बाद, पहले पूरे दिन सुबह सारे वक्त घूमते रहे, उसके बाद गाला डिनर का पूरा पप्पू मेकअप हमें करना था, इतना था करने का, एक घंटा मिला था, खाना खाओ या तैयार हो जाओ, दोनों का मौने पौने किया, बहुत सारा मेकअप सुबह से अपने, बहुत सारे कपड़े मतलब बहुत सारे थे, एक इसका पर दूसरा कपड़ा सीने मैचिंग, बहुत सारी ज्वेलरी ये करके वहां गए, वो गाला डिनर का तो उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया। उसके बाद वो थी लास्ट नाइट, हमने करनी थी शॉपिंग, हम सब एक दूसरे को सोचे यार सब थक गए होंगे, सब कमरों में होंगे, अब जब स्ट्रीट पे निकले पूरी टॉप 15 पूरी मैनेजमेंट हर उस दुकान पे जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, और सब लोग मुझे अपनी सास के लिए चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए, मुझे वहां से फोन आया, मुझे अपने सीनियर मैनेजर के लिए चाहिए, नहीं वो लड़की नहीं वो लड़का है, मैं सीनियर मैनेजर, किसी ने बोला मैं लड़की वाली चीजें ढूंढना शुरू, पास में कहा नहीं वो लड़का है, मैंने कहा जब लड़का सीनियर मैनेजर मेरे शुक्र अल्लाह। फोटोग्राफर थे हमारे साथ, बहुत दिन बहुत मजे करे, जिस स्टोर से जा रहे एक से वेस्ट पेज भी निकल रहे हैं दूसरे लेवल पे, वो उन्हीं फिलहाल लोग बहुत मजा आया था उस दिन। और उस दिन ये था कि जाने का इरादा नहीं था, नौरीन ने कहा आ जाए, मैं लॉबी में खड़ी हूँ, नाइट सूट भी मैं चली, नाइट सूट में चली जाती हूँ, कोई बात नहीं किसने देखा, मैंने कहा बस आ रही हूँ, हमारी खाते दुपट्टा लपेटा ये बाहर गए, बाहर जो हमारे साथ फोटोग्राफर साहब थे उसी दिन उन्होंने सोचा कि मैं डीएसएलआर कैमरे के साथ जाऊंगा और सड़कों पर नाइट सूट में अपने घर की चप्पलें पहनी, किसी ने वॉशरूम स्लीपर्स पहने, मैंने कहा फैजान आपको आज ही क्यों अपना कैमरा निकालना था, कहते हो विदाउट मेकअप बहुत अच्छी पिक्चर आती है, और लड़कों की बहुत अच्छी आती होंगी क्योंकि उनका विद और विदाउट मेकअप एक ही होता है, कभी गाला मेकअप गाला का मेकअप उतार है, फिर एक जगह कहते हम पांडा आए शाम का, मैंने कहा या तो हमको पिक्चर हमारी होनी चाहिए क्योंकि हमने आई मेकअप रिमूव किया, तो पांडा जैसे वही था, मुझे शवारमा की प्लेटर होती है, यहाँ शवारमा रैप करके देते हैं, तो यहाँ पे और आई थिंक एक और जगह टर्की में शवारमा प्लेटर होती है, अब यहाँ पे भी मिल जाते हैं नौशीन, मैं आपको लेके चलूंगी ऐसे ना बोले मैंने आप लोग के साथ खाए, सही है, तो जो है शवारमा प्लेटर मुझे सबसे अच्छा लगा था, बाकी मलेशियन फूड यार पता है एक बात बताऊँ, किसी को भी अगर जिंदगी में लग रहा हो ना हस्बैंड का जॉब छूट गया बिजनेस नहीं हो, वो बंदी बिरयानी अच्छा बनाने जाती हूँ, किसी भी भारतीय मुल्क में चली जाओ एक खेला बिरयानी का ला लो, रात को रात अमीर हो जाए, अभी तक वो बिरयानी पॉलिस बिरयानी के नाम पे था जैसे हम कहते हैं बिरयानियां बनाती है यार हमारी अम्मी, को अभी भी भेज दो ना वो अम्मी बिरयानी के नाम से वो मशहूर हो जाएगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी हर कंट्री की, कह रही हूँ चाहे वो स्वीडन की, आई रियली मिस इट, मतलब बोल भी नहीं सकता बिरयानी, तो बंदा अजीब से चावल होते हैं उबले, मुझे कभी ही पसंद नहीं आता बाहर का खाना, ऐसा नहीं होता कि मैं सोचूंगी मैं दोबारा जाके खाऊंगी, शायद कोई बात नहीं, विद टाइम आप जितना ट्रैवल करेंगी उतनी आपकी पैलेट जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी, उसके अलावा क्या था, बिजनेस डे पे बहुत मजा आया, अच्छा ये थे, ये वो चीज थी जिसके लिए हम एक साल से इंतजार करते हैं, देखो टॉप 15 में आने के दो मकासद होते, टूर के अलावा, पहले टूर बाहर का नहीं होता था, पहले तो विद इन द सिटीज या विद इन द कंट्री करते थे, तो उसमें एक बिजनेस डे होता है जिसमें हम कंपनी को बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, और कंपनी आगे से बोलती है फिर आप ये काम पूरा करें, ठीक है, बहुत मजे की सी नेगोशिएशन होती है, जैसे कहते हैं हम यूँ बोलते हैं हमें ये चाहिए सकता है, या जो भी उस साइड से जिस डिपार्टमेंट को हम बोल रहे हैं हमें ये चीज चाहिए वो आगे से बोलते हैं, बेसिकली टॉप 15 कंपनी की एक या से बाग डोर चला रहे होते हैं, इन द सेंस कि वो सजेशन देते हैं, अगर कंपनी को पसंद आती है तो वो उसको इम्प्लाय करते हैं, और हमने इस तरह की मतलब प्रॉपर या बोल्ड सजेशन पहले उससे पहले भी मुझे पता है जो आप लोग आप मिल रही होती है ना बहुत लग्जूरियस चीजें, तो मुझे हमारे सीनियर्स ये बताते थे हमने ये बोल दिया उनका छुप मिल सकता है निकल पर उनका सोचेंगे, और वो विद इन अ फ्यू मंथ्स या नेक्स्ट मंथ वो चीज आए, चाहे सेल्स एक्शन में हो चाहे किसी भी चीज में, और परेशान रहते थे रेली आ गए ऐसी ऐसी गिफ्टिंग ऐसी ऐसी चीजें सब उस टॉप 15 के उस एक बिजनेस डे पे डिपेंड करती है, इसीलिए तो हम टॉप 15 में जाना चाहते हैं, खाली आज का पिक्चर सेशन थोड़ी था,
यही चीज एंड गाला नाइट को तो चले एक हमारी अपनी अप्रिसिएशन होती है, बट मेन मकसद ये होता है टॉप 15 का वो बिजनेस डे, उस दिन से भी एक एक छोटी छोटी बात इम्प्लीमेंट होती है और अब उसमें से कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी हम सबने की है हमें पता है, तो जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होती जाएगी हर लीडर अपनी टीम को फिर बताता है तो यार मैंने ये बात बोली थी अच्छा टाइम है कम्प्लीट कर ली, तो दिस इज द चार्म ऑफ टॉप 15। तो आपको फील होता है कि यार आप सब एक एक सीएम हो, 15 CM है यहाँ पे, ये चीज होती है जिसके वजह से आपको आना, हम कहते हैं ना आप लोग अपने लीडर बोलने ना आप टॉप 15 में है ना आप डायरेक्टर हो तो मैं कौन सा बड़ी डायरेक्टर हूँ उसको बोलो तुम बोलो ना तुम बड़े सबसे जो बड़े बिंदु मारना था टॉप 15 होते तो यू ही कभी ना जब खुद ही आ जाओ यार फिर आप लोग बताओगे ना फिर बहुत मजा आएगा।